अभी जब दाद नहीं मिल रही थी शायरों को, तो कई शायरों ने कहा जिसका दिल कर रहा है कि करबला की ज़ियारत कर ले, वो मेरे साथ मिलकर नारा लगाए तारीफ करे। बात ये है कि मैं शुरू से बैठा हुआ था, आप लोगों की कोई गलती नहीं है, 80% शेर अच्छे पढ़े ही नहीं गए। ज़ियारत की आरज़ू करते हैं और ये वादा है कि जो सच्चे दिल से आरज़ू करेगा वो करबला जरूर पहुंचेगा, लेकिन बहुत से मोमिनीन को देखा मैंने सच्चे दिल से, उन्होंने रो रो के दुआएं की, उसके बाद उनका इंतकाल हो गया, तो यहाँ तो मामला गड़बड़ हो गया ना। अब देखिए होता क्या है, मसलन मैं आरज़ू करूं कि मौला मुझे करबला बुला ले, दिल से सच्चे दिल से आरज़ू करूं, अभी तो हमको महफिल वाले ले गए थे, महफिल हुई थी करबला में, ले गए थे तो अभी मैंने खुद कोशिश नहीं की है, आरज़ू करता हूं लेकिन अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो क्या होगा। अब चार मिसरे समाप्त फरमाए कि दफ्तर है ये फरिश्तों की खुफिया रिपोर्ट, दफ्तर है ये फरिश्तों की खुफिया रिपोर्ट के, और फैसले हैं गाजी की मखसूस कोर्ट के, दफ्तर है ये फरिश्तों के खुफिया रिपोर्ट के और फैसले हैं गाजी की मखसूस कोर्ट के, मर भी गया तो कब्र से ले जाएंगे, जाऊंगा करबला में बिना पासपोर्ट। करबला और काबा में जमीन आसमान का फर्क है, कितना फर्क है वो मैं आपको बता रहा हूं। ये उस तरफ से कल्बे मुनाफिक पे चोट, ये उस तरफ से कल्बे मुनाफिक पे चोट है, अल्लाह का अली को मुकम्मल सपोर्ट है। अल्लाह का अली को मुकम्मल सपोर्ट है, तो काबे में करबला में बस इतना सा फर्क है, काबे में करबला में बस इतना सा फर्क है, ये हाई कोर्ट और ये सुप्रीम है, उसके लिए भी कुछ पढ़ना चाहिए, बिल्कुल मैं पढ़ता हूं, बिल्कुल ताजे चार मिसरे, ताजा ताजा समाप्त फरमाए। चौथा मिसरा बहुत ही नाजुक, नहीं चौथे पर ही तवज्जो देना है। हंस के ये बोली कदा लीजिए बकलोल गया, हंस के ये बोली कदा लीजिए बकलोल गया, उस दिल अद्दा भी थे इस रात को ये खोल गया, हंस के ये बोली कदा लीजिए बकलोल गया, उस दिल अद्दा भी थे
इस रात को ये खोल गया, अब आया, अब पासे अलमदार के आगे जो भी खाके नैजे की हवा लम्हों में टे बोल गया। Yeah।